A very good evening to all of you, dear participants and members of teacher educators community. एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं पंडित मदन मोहन मालवीय एजुकेशन लेक्चर सीरीज कम वेबिनार के अंतर्गत इस वीकेंड पर. आज का हमारा सेशन स्पेशल सेशन है, सेशन नंबर 6, और हमारा विषय है Reconsidering the School Regulatory System. और आपके सभी के सामने आज हमारे विशेषज्ञ हैं. अभी हाल ही में आपने सर को सुना था, आप परिचित हैं, प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा सर. आप NIOS के चेयरपर्सन रहे हैं. वर्तमान में सर स्कूल ऑफ एजुकेशन में, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में, आप प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं. और सबसे मुख्य बात जो सर के बारे में बतानी है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सोचना, चिंतन करना, अनुसंधान करना और अपने विचारों को एप्रोप्रिएट फोरम्स पर कहना, भेजना. आप देखेंगे अभी जब PPT इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि कितना वर्कआउट किया है सर ने और सर की चिंताएं कितनी प्रासंगिक हैं, कितनी आवश्यक हैं, जिन पर काम किया जाए. और यही कारण है कि हम एक बार इतनी जल्दी हमने सर को इनवाइट किया कि सर इस मुद्दे को जरूर हम सभी के सामने रखें. आप पिछले व्याख्यान को लाइव 1000 लोगों ने देखा था, इसके बाद जो हमने आंकड़े देखे 8 से 10 हजार लोगों ने उसको रिकॉर्डेड वीडियो को देखा था, तो निश्चित रूप से आपने सर के विचार सुने हैं और सर की चिंताएं भी सर के आपके सामने आ चुकी हैं. बहुत अधिक देर न करते हुए मैं सर को इस वर्चुअल मंच पर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए. और जो आज का विषय है, इस विषय के बारे में एक बात बता दूं, आज का हमारा सत्र 2 घंटे का है. 2 घंटे का मतलब ये है कि हमारा जो पहला सेशन है जिसमें सर इस टॉपिक पर रिकंसिडरिंग द स्कूल रेगुलेटरी सिस्टम, इस पर अपनी बात रखेंगे. बहुत सी चीजें नई होंगी आपके सामने. सर ने चूंकि इतनी मेहनत से एक पूरा सिस्टम बताया है इसमें, तो आप ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट आप लिख सकते हैं. हम हैं हमारे साथ, तो हमारे टीम की ही मेंबर डॉक्टर प्रेरणा मंध्यान जी हैं जो इस कार्यक्रम की सहसंयोजक हैं. हम कमेंट बॉक्स से जो भी आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको सर के साथ साझा करेंगे. अंत में एक परिचर्चा होगी, उन सार्थक प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, तो बने रहें. पहले हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अपना प्रेजेंटेशन हम सभी के सामने रखें. सर की जो बात है और उसमें स्क्रीन शेयर साझा करेंगे सर, और जल्दी ही हम बातचीत शुरू करते हैं. सर आप कृपया स्क्रीन शेयर करें. थैंक यू सोमू. आई थिंक यू कैन हियर मी एंड सी मी. हाँ सर है अभी स्क्रीन पे. सर वो चीज अभी ओपन नहीं हुई है जो पहला पेज है स्लाइड का, अभी लाते हैं. बट लेट मी थैंक यू सोमू एंड द प्लेटफॉर्म टीचर एजुकेटर्स SS फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आई स्पोक अ फ्यू वीक्स बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड एज सोमू सेड, अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स हैव सीन हर्ड द वीडियो. As an educator, my concern is not only teaching my classroom, completing my syllabus, seeing to it that my students do well, but my concern is also how the system of education works. As teachers of education, the discipline of education or teacher education, it is our concern to keep working on the system. And I've been very interested in understanding and applying my mind how universities work, how schools work, what is the regulatory mechanism, and if we have not been able to do very well in certain areas, what were their reasons.
In 2015, the central government constituted a review committee to study the National Council for Teacher Education. Professor Muhammad Akhtar Siddiqui was the chairman of the committee, and मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या के कारण सर हमसे अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। मैं बनारस में हूं, बनारस में बारिश पिछले 2-3 दिन से हो रही है और ये समस्या आ रही है कि बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क। मैं सर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उस विषय पर स्कूल से जुड़ी जो कंसर्न्स हैं, स्कूल एजुकेशन से जुड़ी जो कंसर्न्स हैं, एक बार मैं कोशिश करता हूँ सर को कॉल करने की। कृपया बने रहें, जुड़े रहें। सर से बात हुई है, सर तुरंत ही जुड़ने वाले हैं हम सभी के साथ और नेटवर्क की समस्या या कोई तकनीकी समस्या की वजह से ही हम बीच में कुछ समय के लिए आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा होता है। और आप सभी को बताएं कि अब तक हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इससे पहले 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और इन 5 लेक्चर्स में आपने हमारे देश के जो भी अनुभवी जाने माने शिक्षाविद हैं उनको आपने सुना और हम हर वीकेंड पर आपसे जुड़ते हैं और एक महत्वपूर्ण व्याख्यान जो आप सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और टीचर एजुकेटर्स को सुनना, समझना और उस पर चिंतन करना जरूरी है। कभी कभी आपको लगता होगा जो स्टूडेंट्स हैं कि इसमें ऐसी चीजें जो हमारे सिलेबस की नहीं। हाँ सर जुड़ गए हैं, मैं सर को स्क्रीन पर लेता हूँ। जी जी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एंड सम ऑफ। In 2015, the government of India constituted a review committee for the National Council for Teacher Education. Professor Muhammad Akhtar Siddiqui was the chairman of the committee. I had the privilege of being a member. That gave me a great opportunity to look at the teacher education institutions, the training of teachers, and how it functioned. We were very critical of the whole institution of NCT and its working. The report is now in public domain. You can perhaps read it.
but it has great implications, impact on the National Education Policy 2020. Read 15.2. It says, teacher education degrees are handed for money. That means you are sold for money. Why could this happen? Why did this happen? We had a regulatory body created through an act of parliament in 1993. Similarly, the University Grants Commission has come under criticism many a times for taking decisions which had to be reversed or which were contested, which were largely political in nature, so they were not acceptable. Somu just now mentioned, I had the privilege of being the chairman of the National Institute of Open Schooling, one of the two national boards for school assessment and certification. The rest of the boards are state boards, nearly about 60 plus school boards, which assess and certify students across the country. This gave me a great opportunity to peep into the schooling system of our country. And I consider today's interaction very, very important and pivotal, because we, the educators who work in different disciplines, especially those who work in education and teacher education, have a great responsibility not only towards our class, our PhD students, supervising them, getting them degrees awarded, but also looking at the system. It's our responsibility largely, I guess. So as chairman in IOS, I had the opportunity to interact with the group which decides on education. I was very surprised. And let me share, who decides on norms and regulations of higher education? What is the process? The central government agencies are sort of looked at, and their systems or rules are regulated by the University Grants Commission. That can be called the apex body in higher education. From time to time, there has been discussion. You will remember during 2006-07, there was a discussion on converting the University Grants Commission into National Commission for Higher Education and Research, NCHER. That could not materialize. I had read that bill very closely, opposed it, organized seminars across the country, and finally, thank God, that was not passed. But the whole working of University Grants Commission was under discussion, because the government of India wanted to change the structure of University Grants Commission. Why did it want to change? The University Grants Commission is an autonomous statutory regulatory authority. These three terms have great significance in education. The backbone of education is autonomy. Autonomy of the institution and independence of the teacher in the classroom. The whole structure of higher education, in fact, education stands on the concept of autonomy of the institution. How would an institution function? Mind you, I'm talking of autonomy, not anarchy. Autonomy and anarchy don't go along. Autonomy doesn't mean anarchy. Autonomy means the Radhakrishnan Commission on Higher Education has defined it. The autonomy to decide on which subjects the university or the institution would like to take up for teaching and research and certification and doing research on. So which areas would a university work on for research is its own autonomy. It can decide on it. No institution, no body, not even the University Grants Commission can dictate. And why is it so? What gives it the power? Because every institution is created through an act of parliament or a state legislature. The central government organizations like the University Grants Commission, the All India Council for Technical Education,
the National Council for Teacher Education and similar other organizations which work in the area of higher education are created through acts of parliament, which give them the power to decide on how they will work. The central government also cannot interfere. However, they are not beyond law. So if they do something which the government has not given them the power, the government can definitely crack down. But they are autonomous to work on. Why is it so? Because academia and the government are not always on the same plane. The objective of a government will definitely be to win the next elections. That cannot be the objective of academia. Our job is not to help one party or the other to win elections, but we influence minds. We change individuals. We change the way individuals think. How would my students think? What would they think? How would they think is moderated in institutions. And so it is utmost important that institutions be neutral, apolitical, depoliticized. And that can happen only when they have that power to do. If they are under the government, they cannot do that. George Bernard Shaw said once, politicians can do anything to remain in power. Politicians can do anything to remain in power, even think for the nation. We must take this statement very seriously. What is the objective? Ek rajnitigya ka dharm kya hai? Satta mein rehna. उसने अपना जीवन लगाया है सत्ता पाने को और सत्ता में रहना ही उसका धर्म है. इसमें कोई गलती नहीं है. और अगर उसके लिए वो संस्थाओं को व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है तो कोई गलत नहीं है, ऐसा मान सकते हैं. बट व्हाट इज द धर्म ऑफ एन इंस्टीट्यूशन? आवर धर्म इज टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन हु वी वर्क्स टू टीच एंड क्रिएट एज ग्लोबल ह्यूमन बीइंग्स एंड थिंक फॉर द नेशन. हमने ये काम उठाया है, हमारा ये धर्म है कि हम देश के लिए सोचें और सबसे पहले देश, नेशन फर्स्ट एंड देन क्रिएट आवर स्टूडेंट्स हु वुड बी ग्लोबल सिटीजंस. वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, दैट इज व्हाट वी टीच टू द स्टूडेंट्स. दैट कैनॉट बी द सोल मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी. सो आई एम सेइंग ऑल दिस to make it clear that academia and politics cannot go together. And that is why in higher education, we have a number of institutions which are autonomous, and that is the backbone. I won't like to go into the history of modern universities, starting from the University of Berlin about 1,000 years back, and also Vikramshila, Takshila, Nalanda, where the vice chancellor was really autonomous in the true sense. राजा भी जब संस्था में घुसता था, एक गुरुकुल में घुसता था, तो अपने अस्त्र शस्त्र उतार के चप्पल जूता बाहर खोल के अंदर जाता था. आज क्या स्थिति है? नाउ आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ऑटोनॉमी वन एंड गिविंग द पावर टू रेगुलेट टू द ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडीज विच आर स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी मीन्स क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ Parliament, which can decide on norms and standards for the whole country, or a state body which can decide on norms and standards for the state. So the state legislatures as well as the central parliament can legislate, create a body, and which will function according to the bill that is placed in the parliament or the state legislature and passed to become an act. So when I tried to look at the school education, having given you the background and sharing with you the understanding about the importance of a regulatory body in education, a statutory body created through an act of parliament, when I became the chairman of the National Institute of Open Schooling and I had the occasion and privilege to attend meetings in the ministry, I was very, very surprised to find that
Practically no academic is taking decision, deciding on the schools, the norms, the rules, which affect the schools and change them. Let me ask you a few questions. No detention theory came through the right to education, but the minister wanted it first. The minister declared it. Mr. Kapil Sibal, I know it's not good to take names, but then to make you understand how it works, Mr. Kapil Sibal had announced that there won't be a board exam for 10th on a television channel, and then only it was decided through the processing of the files that there won't be a board exam for class 10, which will be compulsory. Even schools can do that. And there are many other decisions in a schooling sector which you need to find out and examine who decided on it. Who decides on these? And are these decisions largely in the national interest? As educationists, I'm trying to convince you again and again, you have decided to be an educationist. You are not a teacher of physics. You are not a teacher of biology. You are not a teacher of Hindi or English. You are a teacher of education. So is it not your responsibility to think how schools are run? What happens to our children who go to school? Radhakrishnan's commission at the end of its report said, we cannot make any effective long-term changes in higher education unless and until we change their school education. And then we had the Mudaliar Commission. The Mudaliar Commission was formed, and then the Mudaliar Commission studied and gave a report. So today I have decided to discuss or share with you my concerns as school, the regulatory framework for schools, and what needs to be changed, reconsidering school regulatory framework. As I mentioned to you, there is not a single statutory regulatory body for school education in the country. The University Grants Commission, the NCTE, the AICTE, and similar other organizations take decisions on various areas of higher education. But there is not a single regulatory body which is autonomous, one, which is a body of experts. The University Grants Commission is a body of experts in higher education. It had this council, although there are about 6 or 8 members nominated by the ministry. Similarly, on the NCTE council, NCTE has come under attack many, many times, but we have not tried to see and understand what was the reason. 2 members of parliament sit on the council of NCTE. Why? How are they experts of education? The members of parliament who sit on the NCTE council, and I have tried to study and find out through my interaction with various people, their only concern is how many colleges would you recognize, which I recommend. When I have talked about establishing a regulatory authority for a school, many people have said, what good did the UGC do? It's a regulatory body. What good the NCTE did? It's a regulatory body. I have always questions. Look at the structure of these bodies. Look at the bills and the acts of these bodies, and you will realize these bodies were created not to function well. Make it real autonomous. Give it autonomy like the institutions in the developed country, like the United Kingdom, the United States of America. Do we have the will? In that light, I have worked on why we need a regulatory framework which would be autonomous and created by an act of parliament, which will work on school education. Why is this school education important? Do you know that there are about 33 crore children in schools today? And nearly 1.5 crore teachers. In higher education, you have about 8 crore students and only about 25,000 teachers. It's not even 1/4
of the size of school education. And 33 crore children, when there are nearly 2 to 3 crore out of school children who should have been in school, in spite of the Sarv Shiksha Abhiyan, universalization of elementary education, the Madhyamik Shiksha Abhiyan and the Samagra Shiksha, there are millions of students out of school. Why? Who failed the children? Who failed the children? Those who were responsible for regulating schools, obviously. So, the duration of schooling is 12 years. We are going to add 3 years. That means at the moment, the age for admission in schools is 6 years. Now we are going to reduce it to 3 years. When they will come to the foundation classes, they will remain in the foundation stage from 3 to 8 years. But that will add about 3 to 4 crore children more. Who will look after these 39, 40 crore children? Who will decide on how the schools, the foundation classes, the preschool function? We are thinking of revamping the University Grants Commission, and the National Education Policy 2020 says that we will have a HECI, Higher Education Commission of India, with a new structure. We'll have to wait and watch. Who decides on school education? There are two types of schools, public schools and private schools. And there's always a tussle between the two. The government keeps saying these private schools are charging exorbitantly. When a new government comes in a state, they start crackdowning on the schools. Look at the Delhi schools. The Delhi government has come up with rules and regulations. A large number of schools have decided to close. They are under great pressure. So when there is a change in government, the schools are under pressure or with the government and happy with the government. Can I remind that Mr. Kapil Sibal was fighting a case for the private schools, and then suddenly one day, a few weeks later, he became the Minister for Education of India and the whole equation changed. Can this go on in a country like ours? There are two types of schools, the public school, which is managed by the government, the private schools, which are run by private managements, and various types of private schools. But who decides on curriculum? The National Council for Educational Research and Training. The responsibility of NCERT is to decide on the curriculum after you have a national education policy through a national curriculum framework. I'm sure I don't need to go and remind you of what happened when we had a national curriculum framework in 2000, when there was a new government at the center in 2004, the 2005, we witnessed a new national curriculum framework. Why? We say that we will have a new national curriculum framework every 10 years, but why did we change in 2005 when it was only 5 years old? It was political decision. Can we let school education be politicized this way? Why was there a new policy in 2005? And why in 2015 we had to have a national curriculum framework? Till 2021 we don't have a new national curriculum framework. We had a new national education policy on which we started working in 2015. We got a new national education policy in 2020. We are waiting for the national curriculum framework, which should have come in 2021. The Prime Minister gave a statement on 6th of August. Only about 7-8 days, 29th July, we got the National Education Policy. On 6th of August, the Prime Minister addressed the nation and said, 2021, we'll have a national curriculum framework. 2022, children will have new textbooks. We are waiting for that curriculum. But is the NCERT an autonomous body which will decide on its own, or will it decide on the instructions of the ministry? We have a good government. We have a dynamic Prime Minister, who is a nationalist, who can look towards India becoming a superpower 2035, 2040. But then, can curriculum be left to politicians? That will be my question. And teachers, their appointments, their service condition. 7 years, we have a bureaucrat handling the National Council for Teacher Education. The Act of NCT says that a teacher educator has to be the chairperson of NCTE, but it also has the act. The Government of India can put any clause of the bill aside and decide on it. It can direct and instruct the NCTE.
And using that clause, the government of India has been appointing a bureaucrat who is not a teacher education, teacher educator, the chairperson. I must raise these issues. I know it will pinch, it will hurt a large number of bureaucrats, a large number of those who are in corridors of power. But what is my responsibility? Ek shikshak hone ke nate mera kya dharma hai? मैं किसकी तरफ देखूं? सरकार की तरफ देखूं? अपने बच्चों की तरफ देखूं? अपने देश की तरफ देखूं? चाणक्य ने क्या किया था? चाणक्य अपने राजा के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ा था उसे, क्योंकि राजा राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा था। आज द्वंद है, एनसीटी 7 साल से एक ब्यूरोक्रेट के अंडर में है लगातार, और आप अपने पॉलिसी में लिखते हैं कि एनसीटी या टीचर एजुकेशन कॉलेजेस पैसे में डिग्रियां बेचती हैं, तो इसको बदल क्यों नहीं पा रहे हैं हम? पॉलिसी को आए 11 महीने हो गए, तो मेरा ये मानना है कि क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है? स्कूल मैनेजमेंट देखिए, इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन, ऑन 31st ऑफ दिसंबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिक्लेयर्ड दैट 4th ऑफ मे वी विल हैव द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स स्टार्टिंग, 16th ऑफ अप्रैल 2021, the Prime Minister declared we will not have a board exam for class 10. We will go ahead and work on whether we can hold the exam for senior secondary, and we'll start on 4th May. We will declare on 1st June whether we will have an exam, and we'll start the exam after giving a notice of 15 days. Again, the Prime Minister comes on 23rd of May and says no, we will not have exam. What preparation did we do? The CBSE had to do the preparation. Who heads the CBSE? Do we have the Central Board for Secondary Education under a teacher educator or educationist? Is it an educationist body? Is it a body of educationists? Or is it an administrative body? Whether it works in tandem with NCRT? Who was responsible? The children were kept perpetually in waiting. There was so much of chaos, and finally we have decided there won't be any exams for this year, either for secondary or senior secondary. My question is, if we had a professional body which was working all the time, who understood children, who understood learning, who understood the anxiety that adolescents have, we would not have been in this situation. The major question everybody is asking is that the central government has 5 agencies. 3 of schooling, that is Navodaya Vidyalaya Sangathan, the Kendriya Vidyalaya Sangathan, and the Central Tibetan School Association, CTSA. Although CTSA is on its way out, there are about 14-15 schools which are going to be closed and merged with the CBSE schools. So KVS and NVS, and then we have the National Council for Teacher Education, CBSE, NCRT, and NIOS. If the central government is head, or the minister is head of the council of KVS, NVS, NCRT, and CBS, how can they also be players? If the central government, the minister, chairs the council of KVS, NVS, NCRT, CBSE, can it also be a player? The policy at one point says the rule will apply to all schools except central government school. Why? I have already explained to you the importance of the acts or the law created by an act of parliament or the act of state legislature. That state legislature acts would only be operative in that particular state. That is why you have a school board in every state, and you have a central board, that is CBSE, which is under the central government. Or although it's a different thing, that we have about 1.5 crore children appearing for 12th class this year, only about 14.5 lakh are appearing CBSE. It's a board of only 10% of the student, but because this is the largest board in that sense, although the UP board is the largest with 50,000 students appearing in class 12, that's the largest board of the country. Still, it is not that important. It is not in the eyes of everyone because it's a state board. The rules
the regulations regarding CBSE were all decided upon by the central government. Look at one example. The Chhattisgarh government this year has decided, because the minister happens to be the head of the school system there, said, give the question paper and answer sheet to the students to take home. They can write the paper in 5 days. And if they are unwell and they can produce a certificate, they can even take longer than 5 days, write their answer sheet and submit, and please evaluate and declare result. Can that be any method of assessing? It's not an assignment. It's not a term paper. And an 18-year-old who is doing this at home with parents and all, can that be taken as a reliable method, a valid method for assessment? But that has happened in Chhattisgarh. And various states are deciding on their own. If I can mention on the sidelines, all the students who are today in class 10, 11, and 12 would be voters for the 2024 elections. Would I be irritating some? Are these decisions taken with the eye on the 2024 elections? If that is so, it is most unfortunate for the children and the nation. Ye rashtra hit mein nahi hai. Ye rashtra hit mein nishchit taur par nahi hai. To hame kya karna chahiye? Hame ek school education commission banana chahiye. We must have a statutory, independent, regulatory authority by the name of school education commission. Near replica of the university grants commission, I say, because university grants commission has its faults. As I mentioned, perhaps 6 nominees of the ministry sit on the council. The secretary higher education is a member of the council, and similar other people who toe the line of the government. If we create real autonomous bodies which would not be under the government, we are still a colony. We have not come over the colonial hangover. We always think that regulatory bodies would do something which will be against the government. Why should bodies be working for the government? The bodies should be working for the nation, for the group that the body has been created for, like those who are created to care for higher education. They must do things in the interest of higher education children, the students. Similarly, we need to have an independent body which will be thinking only in terms of school children, their curriculum, what they study. I am not reflecting on the books that have been written. Go and read the textbooks of Bengal. See what is the Bengal government teaching to students. See what is written about Vajpayee's government in the textbooks of Bengal. Can that be permitted? Look at some of the textbooks of NCRT, where national heroes have been depicted as terrorists, because those who were writing books were people who had the colonial hangover, and they looked at everything from the colonial perspective. I won't like to take names, but the sort of people who have been against the nationalism, and they have been shouting against the Modi government since 2014, where the architects of the textbooks and the policy in 2005, and we are still continuing with that. We must have an independent, autonomous, regulatory body for school education, which will think in the interest of nation, and only in the interest of nation and the children of the nation. Why is it important? The best of the students go to IITs, studying that India was not a nation before Britishers came. We were snake charmers. It was the East India Company and the British rule which organized, which made us a country and gave it the name India. Is it true?
Why is Ashoka not prominently taught who ruled from Burma to Kandahar in Afghanistan? We were one nation. But these are issues of curriculum, which is minor. That when we can care, if there is an autonomous body which has people from all walks of life, all organizations which care for the nation, and taking clue from the NCT, from the UGC and other organizations, I will say the chairman of the School Education Commission be appointed. Give this body autonomy and appoint a very genuine person as the chairman of SEC. How would that happen? Let the same committee which appoints the chairman of the election commission appoint the chairman of SEC, and the method of appointment and the process of removal will be the same which is of the chairman election commission. Why is it important? Because then no political party would be able to influence this person and this organization. The committee consists of the PM, the leader of the opposition, and the Chief Justice of India. Let that committee appoint the chairman of SEC. This will be a real autonomous body. So what will be the structure of the SEC? The governing council obviously will be at the top, the executive council below it, and the chairperson SEC would be the sort of CEO, the chief manager of the SEC. Below him will be vice chairperson. I have suggested method of their appointment. We have example from the Indira Gandhi National Open University. Then we have the administrative officer, the finance officer, the directors. And this will be the organizational structure. And what I believe, we can have a debate on this, that this will be the governing council. I need to discuss this. The chairman SEC will be the chairman of the council of the SEC. Secretary School Education and Literacy will be a member which will represent the government on this body. The chairman University Grants Commission will be one of the members, because the children who come out of the school go to universities, and the UGC has some stakes in school education. The chairman of the National Commission for the Protection of Child Rights. It's a very, very important body. Again, it's a regulatory body, it's a statutory body created by an act of parliament. The chairman SEC is, the chairman NCPCR is very, very powerful, and it gives directions to the government. Even though created by the government, the chairman NCPCR is appointed by the Minister for Women and Child, but once the chairman of NCPCR is appointed, he can give directions to the government. Similarly, the member of the CABE, the expert of school education, whoever he or she is, should be a member of the SEC. The FICCI and the CII. You have large number of private schools which are part of the FICCI and CII. Let FICCI and CII representative also be there, because they would safeguard the interest of the private school network. See, just as the secretary of school education will safeguard the interest of the government schools, that FICCI and the CII will safeguard the interests of the private schools. You have, then we will have the director of National Skill Development Agency, NSDA, which is a body of the government under the Ministry of Skill, then the chairman, CBSE or NIOS. These are the two boards of the government of India. One of the chairmen in by rotation will be a member, then the director NCERT, because NCERT at the moment is deciding on NCF, on working on national assessment and deciding on learning outcomes. Some of these functions will be taken over by the SEC. I will explain after some time. And the chairman of a school state board, then we will have experts as professors of education, and what I say is eminent educationists. I consider professors as well as school principals. They are the backbone for school education. And we will have vice chairman SEC as the member, and one of the vice chairman and the director academic SEC will be member secretary. This, to my mind, is largely a body which will represent
all the major stakeholders of school education, and we can have this body as the governing council. The executive council will have larger representation. We will have representative of school education, vice chairman, SEC, director, SEC, representatives of government, public school, Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Army and Sainik School, state and government schools, Central Tibetan School Organization, railway schools, and similar private organizations. I wonder if you know that GD Goenka has about 150 schools. Similarly, DPS, the Vidya Bharati, they have large networks. So why have what I have said, representative of private school network of school with more than 500 school will have a representative there. Like the DPS, the DAVP, DAVV, the Vidya Bharati, the GD Goenkas, and similar other organizations which have more than 50 schools, 500 schools will have one representative here. Eminent educationist. Here I have mentioned they would be professors of education, eminent educationists who have worked on education, then school principals. So we will have about 3 members from them, media specialists, psychologists, special educators, vocational education experts, sports specialists, artists, finance experts, finance officer of SEC will be member, and administrative officer of the SEC will be the member secretary. We are open to this. We will have more. I have been getting suggestions on who else can be added to it. But what I believe, this will largely represent the communities which are involved in schooling. I mentioned some time back that the chairman of the University Grants Commission, the chairman of NCPCR, the member of the CAPE, these will be members. Similar other bodies will have representation which work in the area of art and creative areas and similar other areas. Thank you very much for having patience to watch this presentation. But a few other things that I would like to mention and discuss is that we have central organizations. I like to compare a few of them and share with you their experiences. There is a body like the Central Institute of Indian Languages, which is in Mysore. For some political reason, this central government organization was established in Mysore, and the National Transmission Mission, NTM, is part of the CIIL. This policy, the National Education Policy 2020, has once again suggested that we'll have a body which will be for translation and which will translate textbooks and other things for schools and educational material. What is the NTM doing? Why could it not perform? My problem is that this body is again under the ministry, under the secretary or the joint secretary languages. We must make it autonomous. And 2 things I represent, I would like to mention and share with you. One is regulatory framework. The second is implementation of these regulations. The third is study of the regulations that are made. I won't take more than 10 minutes after that, which I will take questions. And I would be happy to answer your questions because I know I have not been able to present the complete picture, but just a slice of what SEC will be. Let me take example of learning outcome. The NCRT designed and developed the learning outcomes. Then the NCRT did a national survey and came out of with a result or report which said, what are the learning outcomes? I wonder if I should mention that this was in reaction to the ESSER report that comes every few years. The ESSER reports had been telling the schools are not performing well. The government was always under pressure when the ESSER reports came. So I very clearly remember Mrs. Smriti Irani ji had said, give me learning outcomes. What do you do? What do you do for a year?
What do children learn? So tell me at the beginning of the year that by the end of the year, this will be the learning outcomes. So NCERT came up with the learning outcomes. Then the National Assessment Survey was done by the NCERT and the report was published, which is available in the public domain. My issue is, and this is against no organization. Once again, I will mention, because I am worried about my nation, I'm worried about my children. That is why I'm raising this question. Let a third party, independent party, the SEC, decide on learning outcomes. Let the NCERT design, develop the textbooks. The CBSE transact the curriculum. Who decides? Who monitors the schools? The CBSE. The CBSE accredits a school. Let CBSE function as an accreditation body and conduct exams. But for national assessment, let it be a third party, independent of the government, independent of any government organization. What happened with NCT? And that is why I had been mentioning about NCT right from the beginning. The NCT decided on the rules, what would be the rules under which a college would be established. The NCT decided on a committee which will go and make an inspection. The NCT changed the rules as well. So when I am appointed a visiting team member and I give an adverse report, the NCT changes the rules and sends a new team. The two must not be the same organization. The power to regulate, to make rules for schools must be with the SEC. But SEC will not inspect the schools. SEC will not aggregate the schools. SEC will be out of it. And we have examples from the world. I would like to quote the countries, but the rules are made by one organization. Then the government implements that. Government finds an agency to implement. There are countries which have organizations which make rules and regulations, and they are posted on the national website. Now it is the responsibility of the organizations to look at these websites and follow them, comply with them. So SEC will make rules about the qualification of a school principal, the salary structure of a school principal, the qualification of teachers, their training, their duties, their assignments, their service condition, and it will be pasted on the website of SEC. Now, it will be the responsibility of, say, CBSE to follow, and if schools don't follow, take action. If these two are merged with the same, obviously it will go corrupt, like the NCT. I can say this on a public platform, as my national education policy says it. So I can reiterate only what the national education policy has said. Regulatory framework will be with the SEC. The responsibility of implementing it will be with the NCERT as far as curriculum is concerned, accreditation of schools, following the norms decided by the SEC will be with the CBSE, and a third party, independent party, will assess and give report. Now, if this third party goes corrupt, we will have the authority not only to blacklist, but also to punish. These punishment will be decided upon by the SEC, which will not be a party in inspection, which will not be a party in designing and developing. It will only decide on rules. So what I believe is, it should be away from the government corridors. It should be not in Delhi. Because look, I have given the example of CIIL, which is under the ministry, works in tandem with the ministry, so it should not have been in Mysore. But SEC will be working as an independent body, nothing to do with the government. It will be independently conducting research, deciding on day-to-day framework. The job of SEC will also have
to do research, massive research on schooling. At the moment, what is happening? Those students who work on PhD thesis, even on school processes or issues, they are kept in the libraries of higher education. Schools never consult. I wonder if NCERT also consults those theses which are on school education and decides on norms and standards that NCERT decides or the minister decides, because the rules and regulations for the school, as I started by saying, are decided by the minister. The minister is head. The minister of the central government is head of the central institution. The minister of the state is head of the school organization of the state. None of these read the thesis, the recommendation, the research finding on schooling anywhere. The decisions are not researched, considered. They are taken offhand depending upon the political ideology. That should not happen. So it will have an independent research organization which will work on various areas of schooling, which will also grant scholarships and research grants to scholars to work on certain areas, just as the ICSSR does, and give report to SEC which can be implemented. One. Two, from where will the funding come? Funding is a major problem. The UGC chairman can be made to walk down the corridor of ministry because the fund will not be released. So what I suggest is, just find out what is the amount collected through the cess on education. Transfer it to SEC. That money will go straight to SEC, will not be in the government exchequer. One. Two, just collect 1 rupee per month from every child of the country for SEC. 40 crore children in schools, 40 crores collected every month. That should be enough finance for the SEC. Not only for its day-to-day functioning, but also for research and other areas. However, I am not recommending there would be any audit. The Comptroller and Auditor General of India will do the normal audit that he does to any organization, and it will be subjected to audit every year. These are questions which you will obviously ask, who I am answering. This will be an independent body. The finance part is crucial because government has the mechanism of twisting arm of the organization. If doesn't hear the government, so make it independent as far as finance is concerned, as far as audit is concerned. The CAG will do the audit. The money will come through the cess collected and school fee collected. Every child every month will pay just 1 rupee for the SEC, and that will finance the SEC. It will not be in Delhi. It will be in a nearby major town like Raipur, Ranchi or Jaipur or somewhere, but not in Delhi, because then the minister, the government obviously wants to pounce upon it. These are some of the stray thoughts, but I believe you will all agree with me that school education, which has about 1/3 of the national population, has no statutory regulatory authority. I know I have viewed my voice before very senior bureaucrats, those who manage education, and they have not been happy with me. I know I'm doing things largely to hurt my personal interest, but I believe if I can't do anything for my nation, my life is wasted, because I decided to be an educationist to serve my children, my country. And if I don't do that, I am dishonest to myself. Fellow teachers, fellow educationists, I'm so very grateful to Somu Singh and this platform for giving me this opportunity to share a very personal idea with you. I don't think it should be taken as my idea, my view. This is the idea of thousands of school teachers. I have not ventured into the exploitation part of teachers in schools. I have seen, I must thank God, main Mahakal ka bahut bada bhakt hu. Main Mahakal ka hamesha abhar vyakt karta hu ki mujhe ye mauka diye ki main Rashtriya Mukt Vidyalay Shiksha Sansthan ka adhyaksh raha, jiske karan mujhe mauka mila कि मैं स्कूलों के अंदर झांक के देख सकूं. आप में से जो स्कूलों को नहीं देखे हैं, आपको अंदाज नहीं होगा
वहां क्या गंदगी है और क्या एक्सप्लॉयटेशन है, जो दिखता है वो है नहीं। और मैंने ये तय किया कि मैं अपना नुकसान करके राष्ट्र के लिए ये बात जरूर करूंगा। 80% शिक्षिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है वहां, उनके लिए तो करो अगर और किसी के लिए नहीं कर सकते हो तो। बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल रहा हूं। विद्यालय शिक्षा आयोग बनना इतना जरूरी है ताकि इनको स्वायत्तता मिल सके, इनको आवाज मिल सके। जस्ट बिकॉज आई हैड मनी टू स्टार्ट अ स्कूल, टू एस्टैब्लिश अ स्कूल, डजंट मीन आई कैन एक्सप्लॉइट एवरीवन। इफ यू डोंट डांस टू माय म्यूजिक, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द जॉब टुमारो। दैट शुड नॉट बी द नॉर्म ऑफ द स्कूल्स। दिस इज नॉट ओनली ट्रू ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, दिस इज ट्रू ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज़ वेल, व्हिच आई एम नॉट शेयरिंग। Fellow teachers, once again, I will thank Somu and this platform for giving me this opportunity to share my views. Some of them, these are very, very personal, very, very personal, and I know it will hurt many. I don't know whether these are all taken as academic observation or emotional, but I believe these are national definitely. Thank you once again, Somu, and I will be happy to take questions if there are any. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपने जो विचार हैं रखे हैं और जितने भी लोग सुन रहे थे, मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, ये चिंता सबको करना चाहिए। और ये जो विचार आपने दिया है इस बहुत बड़े समूह को, उस पूरे समूह के सदस्यों को, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं, इन सर्विस टीचर एजुकेटर्स हैं, आप सब ने सुना अभी और देखा कितना सोचा है सबने, कितना इसको स्टडी किया है चीजों को, हर एक बॉडी को जो अपने देश में भी काम कर रही है स्कूल एजुकेशन को, उसका कितना गहराई से अध्ययन किया है और राष्ट्र हित में किया है, बच्चों के हित में किया है। ये वो कार्य है कि जब हम घर बनाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं ना हमारे घर की नींव मजबूत हो, हम नींव पर सोच ही नहीं रहे हैं और कब सोचेंगे। और सर ने जब पहली बार ये बात मुझसे रखी तो बड़ी अपील की मुझे बात, कि कहा कि सोमू सोचो कितने प्रोफेसर्स हैं एजुकेशन के जो स्कूल की बात करते हैं, स्कूल का कंसर्न रखते हैं, या उन्हें मौका मिलता है स्कूल के लिए काम करने का। मैंने कहा सर बस मूल बात मैं समझ गया, ये बहुत बड़ी एक तरह से हम कहें खाई है, गैप नहीं कहेंगे इसको, हम खाई है। और इस खाई को अब बड़ा प्रयास है, ठीक है समय लग सकता है, इस आवाज को, इस विचार को आपके बीच लाना जरूरी था, इस रूप में लाना जरूरी था। इसलिए सर ने जो चीजें रखी हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक से जुड़ी हो, करिकुलम के इश्यूज हो, और एक एक पूरा का पूरा वर्केबल प्लान दिया है जो हमारे देश में हो सकता है, हो रहा है। मैं सर को सुन रहा था तो बिल्कुल मुझे लग रहा था कि जो बाल संरक्षण आयोग है वो कहां बाहर रहता है सीन में, बीच बीच में हस्तक्षेप करता रहता है। तो आखिर ये सब अलग अलग से स्कूल में जैसे इंजेक्शन लेके आते हैं और इंजेक्शन लगाया और चले गए, अब क्या हुआ उस इंजेक्शन से, इसको देखने वाला कौन है। तो कहीं ना कहीं ये मूल चिंता है और जो सबको करना चाहिए, और ये आवाज निश्चित रूप से बुलंद होना चाहिए। मैं सर की चिंता, सर के विचार एनसीटी पे सुनता रहता हूँ, सीबीएसई में, और सर ये ईश्वर का बहुत बड़ा शुक्र है, बोला हम लोगों का सौभाग्य है कि सर एनआईयूएस में गए और ये अनुभव उनको हुआ, और जिस कारण सर ने इसको गहराई से स्कूल एजुकेशन को स्टडी किया और आज स्टडी का आज निष्कर्ष हम सबके बीच है। और आप सभी ने सुना भी है, आपके मन में अगर प्रश्न है, जो स्ट्रक्चर और जो रेशनल सर ने रखा है तो आप साझा करें, हम लोग चैट बॉक्स को देख रहे हैं, सर के साथ हम चर्चा करेंगे, उन सवालों को रखेंगे। क्यों जरूरत है इसकी, इतने सुंदर तरीके से, इतने तार्किक तरीके से ये बात सामने आई है, बताइए। ऑडिट कैर करेगा, एजुकेशन सेस से हम पैसा कलेक्ट जो हो रहा है उसको यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा सुझाव नहीं है जिसे लागू ना किया जा सके। और जैसे चुनाव आयोग नियुक्तियां होती हैं वैसे नियुक्तियां हो, क्या बुराई है। और मैं जिसकी चिंता करता हूं कि जो रिसर्चेस हो रही है स्कूल एजुकेशन में,
कितनी रिसर्चेस की फाइंडिंग्स को, कंक्लूजन्स को सीरियसली देखा जा रहा है, तो देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, ये कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? तो कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कौन देख रहा है? और खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी मासूम हैं, जिन्हें अभी पता नहीं है कि हमें क्या करना है, वो जिनको हमने स्कूल में भेजा है, तो इसकी आवश्यकता पर तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। ये तो अति सुंदर विचार है। कोई आयोग आएगा जो समन्वित प्रयास करेगा, सोचेगा, उसमें सारी लोग रहेंगे, तो जैसे कहते हैं ना, कलेक्टिव विजडम इज एवर ऑल, अच्छा ही निकलेगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है कि बहुत से लोग सहमत होंगे इस बात से। इसमें पूरी तरह से जो चीजें आई हैं, ये साधारण विचार, बिल्कुल किसी ने भी लिखा है कि ये साधारण विचार नहीं है, मैं भी ये मानता हूं, ये साधारण विचार नहीं है, शैक्षिक क्रांति लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और साथियों, इसीलिए सर ने ये विचार आप सभी युवाओं के साथ, जो अभी अभी जस्ट जुड़े हैं टीचर एजुकेशन से या एजुकेशन से, या जो अभी नई नौकरी पाए हैं टीचर के रूप में, उनके बीच साझा किया है कि इस विचार को और सोचें, अपने अपने लेवल से इस पे और मंथन करें अपनी संस्थाओं में। जो भी संस्था, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ का उदाहरण सर ने आपके सामने दिया और क्या कहा कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कितना बोल्डली ये बोलना किसी के लिए संभव है, कितनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है और उनका क्या होल्ड है, क्या कमांड है, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जैसा कि सर भी कहते हैं और मैं भी मानता हूं, शिक्षक स्वतंत्र होता है अपनी बातों को रखने के लिए, यदि वह अनुसंधान कर रहा है, वास्तव में चिंता कर रहा है। अभी एक प्रश्न आया है, इसको हम स्क्रीन पर लेते हैं, जस्ट अभी प्रश्न आया है सर, ये स्क्रीन पे हमने रखा है कुछ है। एक हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉली शर्मा, उनका नाम इस पे नहीं दिख रहा है। डॉली शर्मा ने पूछा है, सोमू द क्वेश्चन आई कैन रीड ऑन द स्क्रीन इज ऑफ रिंकल शर्मा। जी 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 सर। बट सर, हाउ वी कैन एस्केप द स्कूल्स फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर? How many schools are running by the politicians? How can the members of this discussed commission may be full functional or authoritative in dealing with the schools? Rinkal, very good question. That is why I have said the chairman of the SEC will be appointed through a process which is followed for appointing chairman of the election commission, chief commissioner. Why? Because once that person is appointed, he or she is beyond the government. That means government cannot dictate terms. आप देखी होंगी बंगाल के इलेक्शन में, चाहे वो टीएमसी को परेशानी हो या बीजेपी को परेशानी हो, उसको इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था, वो सरकार को शिकायत नहीं करती थी। सरकार के अधिकार छिन जाते हैं एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है। तो अब मान लीजिए कि कोई स्कूल किसी पॉलिटिशियन ने बनाया है, बहुत अच्छा, सबको अधिकार है, सब बनाए। अब अगर सेक ने एक नियम बना दिया कि स्कूल में प्रिंसिपल का कमरा 30x40 का होगा, तो क्या ये पॉलिटिशियन मैनेज कर लेंगे? एक एप्लीकेशन पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में आएगा कि साहब XYZ पॉलिटिशियन का ये स्कूल है, सेक का नियम है कि प्रिंसिपल के रूम का साइज ये होना चाहिए, ये नहीं है। पब्लिक डोमेन में आने के बाद कौन क्या कर लेगा? और चूंकि सेक ने ये नियम बनाया हुआ है, सेक नहीं जाएगा इंस्पेक्ट करने के लिए। इसीलिए मैं दोनों को अलग बता रहा हूं, एनसीटी में ये गड़बड़ी हो चुकी है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने हजारों एग्जाम्पल देखे एनसीटी में। एक बड़े व्यक्ति का कॉलेज हम इंस्पेक्ट करने जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये नॉर्म है, इसके आधार पर हम नहीं कर सकते हैं। वो व्यक्ति एनसीटी को ही इन्फ्लुएंस कर लेता है, नॉर्म्स ही बदलवा देता है। सेक में ये नहीं होगा।
क्योंकि सेक का जो सेक चेयरमैन होगा वो बियॉन्ड पॉलिटिशियन होगा, उसको ना बना सकेंगे ना हटा सकेंगे। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को हटाने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट इंपीच करेगी, तो सेक के चेयरमैन को भी पार्लियामेंट इंपीच करेगी। आप कहेंगे कि सर सेक के चेयरमैन को इतना पावरफुल क्यों बना रहे हैं, एक तिहाई देश की आबादी है और हम कहते हैं कि देश का भविष्य विद्यालयों में पलता है, तो उसको तो आपको पावरफुल बनाना ही चाहिए, लेकिन उस पर ऐसे अंकुश रखने चाहिए, ऐसे लोगों को साथ बैठाना चाहिए कि वो निरंकुश नहीं हो जाए। एक मिनट के लिए हम मान सकते हैं कि वो किसी दल का, किसी दलगत राजनीति का व्यक्ति होगा जो वहां बैठ गया, गलत निर्णय लेने लगा, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐसे लोग हैं जो रोकेंगे, वहां स्कूल के प्रिंसिपल्स बैठेंगे, वहां प्रोफेसर बैठेंगे, वहां डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे जो उसको रोकेंगे, तो वो नहीं होगा। इसीलिए हमने सोच के ये सब बनाया है। और जैसा कि हमने कहा, यूजीसी के कमीशन पर मिनिस्टर मिनिस्ट्री नॉमिनेट करती है लोगों को, क्यों? आपको एक चीज बताएं, हम लोग क्वेश्चन आंसर में हैं, तीस्ता शीतलवार का नाम हम जानते हैं, गुजरात से थी, हर विषय पर हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वो केस करती थी, झूठे केस करती थी, कुछ से कुछ अफवाह उठाती थी, उसको हम लोगों ने केब में रखा था, वो केब की सदस्य थी। सी इज नॉट एन एजुकेशनिस्ट, सी इज अ थॉरो पॉलिटिशियन एंड आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस हर, अ ब्लैकमेलर इन दैट सेंस, एंड सी वॉज पुट ऑन द केब, दिस वॉन्ट हैपन। लेट अस क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पार्टी कोई भी गवर्नमेंट में हो, वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट नहीं कर पाए। आई होप यू एग्री विथ मी रिंकल, एंड यू नाउ अंडरस्टैंड दैट द स्ट्रक्चर दैट आई एम सजेस्टिंग एंड आई एम ओपन टू सजेशंस, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट डू थिंग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ आइदर द रिच पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और द पॉलिटिशियन, किसी के लिए काम नहीं कर पाएगी, इसको करना ही पड़ेगा ए पोलिटिकल एंड ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ स्कूलिंग। जी सोमो, एनी अदर क्वेश्चन? आपकी आवाज नहीं आ रही है सोमू। एक प्रश्न आया है सर, व्हाट अबाउट जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इसमें क्या कैसे ये सेक काम करेगा? और जेएनके के बारे में क्यों पूछ रहे हो हमसे? तुमने तमिलनाडु के बारे में क्यों नहीं पूछा, बिहार के बारे में क्यों नहीं पूछा? जेएनके भारत का वैसा ही एक यूनियन टेरिटरी है जैसे पांडिचेरी है या चंडीगढ़ है, तो जैसे नियम लागू होते हैं पांडिचेरी पर, चंडीगढ़ पर, वैसे ही जेएनके में लागू होंगे। जेएनके को वो सारे नियम मानने होंगे जो कि कोई भी यूनियन टेरिटरी मानता है। जेएनके हमारा एक यूनियन टेरिटरी है तो उसमें वैसे ही लागू होंगे। एक इसमें सवाल सर ये आया है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक इंडियन एजुकेशन सर्विस ऑल्दो सो मेनी कमीशंस हैड रिकमेंडेड फॉर इट। थोड़ा विषय से भिन्न है अर्जुन सोनकर, दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्या हो गया? हम कई बार प्रश्न भी उठाते हैं और प्रधानमंत्री ने अभी 10 फरवरी 2021 को संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा था, ये आईएएस सब जानते हैं क्या? ये आईएएस हो गए इसका मतलब कि ये इंडस्ट्री के भी हेड हो जाते हैं और दूसरे पीएसयूज के भी हेड हो जाते हैं, ये सब जानते हैं क्या? और फैक्ट यही हो गया है कि आईएएस चूंकि आईएएस हो गया इसलिए वो सब जानता है। एक मिनट को मान लो कि इंडियन एजुकेशन सर्विस हुआ और उसमें ऐसे ही लोग सेलेक्ट हो गए, फिर वो एजुकेशन के आईएएस हो जाएंगे, वो एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट्स हो जाएंगे। मेरा मानना होगा कि हम बाय रोटेशन, देखो एक बड़ा अच्छा स्कीम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन एडवाइजर्स अपॉइंट करने का, वो एकेडमिक्स होते थे और यूनिवर्सिटीज से या कॉलेजेस से आते थे। प्रोफेसर जे एस राजपूत वॉज एन एजुकेशन एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री। राजपूत साहब ने ऐसे ऐसे सलाह दिए, ऐसे ऐसे जगह अपने टांग अड़ाए कि राजपूत साहब के बाद कोई एजुकेशन एडवाइजर अपॉइंट नहीं हुआ।
उनकी बातों को पचा नहीं पाई सरकार, इसलिए वो स्कीम ही बंद हो गया। ऐसा होना चाहिए कि भाई सोमू बैठा है वाराणसी में, एक प्रॉमिसिंग टीचर है, उसको एजुकेशन एडवाइजर बना के ले आओ मिनिस्ट्री में, 3 साल वो काम करेगा, वो जाएगा, उसके बाद अर्जुन सोनकर आ जाएंगे, उसके बाद वो जाएंगे अपनी जगह, दूसरा कोई आ जाएगा। डोंट क्रिएट एन इंडियन एजुकेशन सर्विस एज सच, दैट विल क्रिएट अ न्यू ब्यूरोक्रेसी इन एजुकेशन। मैं बन गया आईएएस, अब मैं सबको बेवकूफ मान लूंगा कि बस चूंकि मैं आईएएस कर गया हूं इसलिए बाकी सब एजुकेशन के लोग बेवकूफ है, एक मैं ही होशियार हूं, जो आज की परेशानी है कि जो मेरा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बैठा है उस केवल उसी को शिक्षा पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। मैंने देखा है सेक्रेटरी एजुकेशन को एनसीईआरटी में एक प्रोफेसर को खड़े होकर के इतनी डांट लगाते, कुछ कहना नहीं, और वो प्रोफेसर कुछ नहीं बोल पाए। मैं जानबूझ के ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये कहा कि स्कूल एजुकेशन का जो सेक्रेटरी बनता है वो सबसे ज्यादा एजुकेशन जानता है, कोई अधिकार नहीं मिलता है, कोई अधिकार नहीं मिलता है कि आप जिसको कि आप प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं, एनसीईआरटी में प्रोफेसर है, उसको एक अधिकारी आकर के सरकार का डांट लगाए बड़े पब्लिक मीटिंग में, क्योंकि हम सरकार के एक संस्था है इसलिए ऐसा हो, ये ठीक नहीं है। सरकार से इसीलिए मैं मुक्त कराने की बात कर रहा हूँ शिक्षा को। आई होप अर्जुन यू एग्री विथ माई आर्गूमेंट दैट डोंट थिंक ओवर इंडियन एजुकेशन सर्विस वंस अगेन, थिंक ओवर इट। This has been a demand for a long time, but I believe this will create a new bureaucracy in education, which may not be very much in the interest of education. Let there be my job. जैसे हमारे यहाँ है, हमारा head of the department rotation से होता है। एक मान लो कोई ऐसा व्यक्ति बन भी गया head, जिसकी समझ ठीक नहीं है, तो चलो 3 साल के बाद दूसरा नया आ जाएगा, उसकी समझ ठीक होगी। लेकिन अगर एक हम permanent head बना दें, एक IAS बना दें, जो आकर के head of the department बन के बैठ गया, अब क्या होगा? जी, ये प्रश्न सर है, मुझे लगता है कुछ लोग बाद में जुड़े जो नहीं सुन पाए। क्राइटेरिया ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयर पर्सन ऑफ सेक, इसको सर थोड़े एक बार और बता दें जिससे कि जी। देखिए, स्कूल एजुकेशन कमीशन चूंकि ये ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका चेयरमैन एक व्यक्ति ऐसा हो, हम उसका एलिजिबिलिटी तय कर सकते हैं। मैं बहुत एग्री नहीं करता हूं कि 10 साल का प्रोफेसरशिप होना चाहिए वाइस चांसलर बनने के लिए, और बाकी जो चीजें अर्हताएं रखी गई हैं वाइस चांसलर के लिए, मैं एग्री नहीं करता हूं। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रामधारी सिंह दिनकर बने थे, वो सिंपल ग्रेजुएट थे, वो राष्ट्रकवि थे। तो मेरा यह सब मानना है कि एक राष्ट्रकवि को वीसी क्यों नहीं बनाया जा सकता है, और उस वक्त हमारे नियम में था पर्सन ऑफ एमिनेंस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इतिहास जाके पढ़ो, हम में से कोई भी ये बात नकार नहीं सकता है कि आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में ऑक्सफोर्ड है। जब भी वो इंग्लैंड में है, हम इंग्लैंड की बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन एक 32 साल के लड़के को वहां का वाइस चांसलर बनाया गया था, और उस लड़के ने इतनी नई बातें सोची, इतने नए चीज लाए कि वो विश्वविद्यालय को बदल दिया। ऑक्सफोर्ड बिकेम ऑक्सफोर्ड आफ्टर हिम। माई होल कंटेंशन वुड बी सेलेक्ट अ डिजर्विंग पर्सन, सेलेक्ट अ डिजर्विंग पर्सन हु वुड बी अपॉइंटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर मेंबर्स ऑफ द कमिटी विच अपॉइंट्स द चेयरमैन इलेक्शन कमीशन। Similar process may be adopted for appointing the chairman of SEC, and so would be the process of removal. To remove the chairman of election commission, you have to go to the parliament. Parliament impeaches the chairman election commission. उसको वही हटा सकता है। तो SEC के भी chairman को, क्योंकि मान लो सरकार X party की है, और वो कहता है कि नहीं बच्चों को आप ये पढ़ाइए, curriculum में ये लाइए, परीक्षाएं रद्द कीजिए या परीक्षाएं करवाइए, सेक कहता है नहीं ये राष्ट्र हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है, तो पार्टी इन गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हटाएंगे, वो कहेगा आप नहीं हटा सकते, संसद जाइए, और संसद ऑब्वियसली हम किसी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, किसी के विरोध में होते हैं, लेकिन संसद एक ऐसी संस्था है जो बड़ा ही न्यूट्रल कंसिडर्ड डिसीजन लेती है, वहां नियम पास कराना बहुत आसान नहीं होता है।
तो मेरा ऐसा मानना होगा कि सेक के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट एक बड़ा पावरफुल पोजीशन बनाया जाए इसको, और वो अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह हो। जी सुबह जी। जी सर, एक प्रश्न आया है, किसी गुजरात में कुछ टीचर सप्लाई कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। In Gujarat, while headmaster exam, only government school teachers can apply. No any teachers from non-granted school apply for the above post. How contradictory rules are there nowadays, non-granted school teachers as government teachers. See, I will not like to comment on this because this will be a decision of the government or whatever. This is what I am struggling to change. That one Gujarat government or one Tamil Nadu government or one Bihar government or one Delhi government should not be able to manipulate education. What would be the service condition of a school principal will be decided by the SEC. What would be the perks and salary given to the principal will be decided by the SEC and then leave it to the government. If a government doesn't follow, if a school doesn't follow, that would be liable to legal action. हम कहते हैं ना कि ये मामला सब जुडिस हो गया। मान लीजिए एक स्कूल खोलते हैं हम, हमने अपने पैसे से स्कूल बनाया और एक प्रिंसिपल अपॉइंट किया, उसको कहा कि आपको 20,000 रुपया देंगे। आप ये नहीं कर सकेंगे अगर सेक होगा। सेक तय करेगी कि प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसका सैलरी क्या होगा। एनसीटी में भी ये गड़बड़ी हुई। एनसीटी ने ये कहा कि जो कॉलेज का बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल होगा उसको पीएचडी होना चाहिए, लेकिन यह तय नहीं किया कि उसकी सैलरी क्या होगी। मैं कॉलेजेस में गया हूं जहां देखा हूं कि 15,000 20,000 50,000 ऐसे सैलरी देकर के बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट किए हुए हैं। अगर सरकार यह भी तय कर देती, एनसीटी यह भी तय कर देती कि बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल का सैलरी एक प्रोफेसर के बराबर होगा और आपको देना जरूरी है, अगर आप नहीं देते हैं तो कॉलेज ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसे कॉलेजेस बनाना चाहते हैं? अगर आप 20,000 40,000 पर बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल रख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। मुझे एक बार मौका लगा था, मैं छात्र शिक्षक संघ का अध्यक्ष था, ये बात अलग है सोमू, लेकिन जरा मैं सुना ही दूं। और हम लोग अर्जुन सिंह जी से मिलने गए थे। मैंने अर्जुन सिंह जी से बड़ी विनम्रता से एक बात कहा था कि सर आपसे मेरा एक आग्रह है। बड़े विनम्र व्यक्ति थे अर्जुन सिंह जी। उन्होंने मुझे बोले कहा कि बोलिए हम, कह सर एक चीज इंश्योर करा दीजिए कि जितनी सैलरी आपके ड्राइवर को मिलती है उतना हर स्कूल टीचर को मिलेगा कम से कम, क्योंकि हमारे देश का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति पहले ड्राइवर बनना चाहता है, जब ड्राइवर नहीं बन पाता है तो स्कूल में जाके टीचर बनता है। ये मेरी व्यथा थी। अगर सेक बनता है और वो तय कर देता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक प्राइमरी के टीचर को, एक सेकेंडरी के टीचर को, स्कूल टीचर को 70,000 से कम नहीं देगी, उसको ये पर्क मिलेगा, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और अगर नहीं देते हैं तो आप पर लीगल एक्शन होगा, तो सेक ये नियम बना के अलग हो जाएगा। इसको इंप्लीमेंट कराना स्टेट गवर्नमेंट का काम हो जाएगा। जो नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली कोर्ट जाएगा, आज कहीं नहीं जा सकता है कोर्ट। इसीलिए बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल को आप 18,000 20,000 पर अपॉइंट कर लेते हैं और वो कहीं नहीं जा पाता है। इसलिए सेक इस तरह से भी इंपॉर्टेंट होगा कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, इसका नियम जो बनाएगा वो मानना जरूरी होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अभी हमने हाल ही में डिस्कशंस किए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, आपने देखा होगा शिक्षकों की सेवा शर्तों को काफी उन्नत करने के कई अच्छे सुझाव आए हैं कि हम जो 4 लेवल में टीचर्स होंगे उनकी सर्विस कंडीशंस को ऐसा बनाएंगे। कौन करेगा? कौन करेगा? दिशा में एक जरूरी कदम है। कौन करेगा? एनसीईआरटी अपना काम कर रही है, सीबीएसई अपना काम करेगी, एनसीटी अपने हिसाब से काम करेगी। तो उन चीजों को अगर हम चाहते हैं इफेक्टिव तरीके से स्कूल एजुकेशन में क्रांतिकारी बदलाव आए तो एक बॉडी तो चाहिए चाहिए। अभी मैं कमेंट, जो स्टैट्यूटरी कमेंट, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरी है। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो आइडिया है, सर का जो आइडिया है, उस एनसीटी को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने की दिशा में अत्यंत आवश्यक कदम है। जो पूरी बात मैं सोमू एक आग्रह करूंगा, आप कह रहे हैं मेरा आइडिया सर का आइडिया, साइड का आइडिया नहीं है, ये आप लोगों से बात करके ये आइडियाज बने हैं। आप सबों से आग्रह है जो सुन रहे हैं, इसको आप हमारा आइडिया कहिए।
ये हमारा आपका सबका आइडिया है, आप इसको समूह आगे हमारा आइडिया कहेंगे और ये सर का आइडिया नहीं। अब सर आपने आपने ये सार्वजनिक मंच पे आज रखा, तो आज से सर ये हम सबका आइडिया हो गया है और हम सब लोग मिलकर के इस पे काम करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है सर, बड़े वरिष्ठ हमारे शिक्षाविद भी हमारे व्याख्यान से जुड़े हैं और अपने कमेंट दे रहे हैं। आदरणीय एनके अंबस्ट सर सुन रहे हैं, उन्होंने लिखा अभी कि वेरी फोर्सफुल आर्गुमेंट्स, आई लाइक योर, मैं उस कमेंट को सर अभी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक मंच पर इस तरीके से हमारे वरिष्ठ शिक्षाविदों का, युवा शिक्षाविदों का और काम कर रहे लोगों का साथ मिलता है। एक सवाल सर और आया है अभी, जो जिस पे बात हो ही चुकी है लगभग, फिर क्या भारत जैसे सामाजिक जटिल संरचना वाले देश में बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के शिक्षा चल सकती है? अरे बहुत सी चीजें चल रही है सर, सर इस पे अपना सत्यम, हमारी इच्छा नहीं रहती है, हम नहीं चाहते हैं कि हम राजनीति से मुक्त करें। इसीलिए सत्यम हमने यूजीसी एक्ट का हवाला दिया, क्यों सरकार ने 6 लोगों को नॉमिनेट करने का प्रोविजन उस एक्ट में बनाया। ये अंग्रेजी तरीका था कि हम तय करेंगे, सरकार तय करेगी, और वो बीमारी गई नहीं, क्योंकि वो भारतीयों पर विश्वास नहीं करते थे, अपनी बात चलाना चाहते थे, अपने गुर्गों को बैठाना चाहते थे। इसलिए ऐसा तरीका था कि जब हम कोई एक्ट बनाते थे तो सरकार के कंट्रोल में रहे। मेरा ये कहना होगा, और यही एनसीटी में हुआ जिसका उदाहरण अभी हमने दिया, 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे, उन दोनों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैं बड़े विनम्रता से इज्जत से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम नहीं किया। उदाहरण नहीं दूंगा, मुझे अंदर की कहानी पता हुई इसलिए मैं यहां नहीं बोल। मेरा यह कहना है, अगर हम सब मिलकर के एक ऐसी संस्था बनाने का प्रयास करें, सोचें, हम सब बैठेंगे सत्यम और ये सोचेंगे कि मान लीजिए कि इसमें हम कह रहे हैं यूजीसी चेयरमैन बैठेगा तो उसके क्या फायदा नुकसान घाटा, वो क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा, बैठना चाहिए या नहीं, कौन और बैठना चाहिए। हम सब मिलकर के इस बॉडी को ऐसा बनाएंगे जिसमें कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं रहे। देखो, देश को राजनीति चलाती है, राजनीति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो हमारा दायित्व तो नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम एक अच्छी संस्था बना सकते हैं जो 2050 के लिए अच्छे नागरिक तैयार करेगा, यही कर सकते हैं। तो मेरा यह कहना होगा कि राजनीति को बाहर रखने का, राजनीति के माध्यम से ही यह संस्था बनेगी, लेकिन राजनीति से बाहर रखने का उपाय किया जा सकता है। हमको राजनीति को तो प्रभावित करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार जब राजनीतिज्ञ और दल, अलग अलग दल मेरी विचार से सहमत हो जाएंगे कि एक स्कूल एजुकेशन कमीशन बनना चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ना उसको डिपार्टमेंट प्रभावित करेगा, ना उसको पॉलिटिकल पार्टी प्रभावित करेगी, ना कोई राज्य करेगा, वो राष्ट्रहित में कैसे काम करेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब अगर साथ बैठ जाए ना तो ऐसा संस्था बना सकते हैं, लेकिन जब सरकार बनाती है तो उसका ये रहता है हमारा कंट्रोल कैसे रहेगा। अभी हमने उदाहरण दिया ना, एनसीटी एक्ट में एक प्रोविजन है, आई थिंक 13, द गवर्नमेंट कैन ओवर रूल एनीथिंग, इट कैन गिव डायरेक्शन, दैट्स द वर्ड, डायरेक्शन टू द एनसीटी, तो वो कोई भी डायरेक्शन दे सकती है। अगर मैं धीरे से ये बताऊं कि एनसीटी का केस कोर्ट में आने वाला था, उसके पहले शाम को अख्तर सिद्दीकी साहब को रिमूव कर दिया गया डायरेक्शन के थ्रू, और दूसरे दिन जब कोर्ट में केस खुला तो ये कहा गया कि सरकार ने उनको रिलीव करके भेज दिया है, वो जामिया ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए अब ये केस ही नहीं स्टैंड करता है। अगर ऐसे नियम बनेंगे तो संस्थाएं कैसे चलेंगी, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये उदाहरणों को बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और हमने देखा है कि 2 शिक्षाविद, अख्तर सिद्दीकी और संतोष पांडा के बाद एनसीटी में एक भी टीचर, एजुकेटेड टीचर नहीं आया चेयरमैन होकर के, जिसका नुकसान देश को भुगतना पड़ा है। तुम हम लोग बैठे तो बात करके तय कर सकते हैं कि ए पॉलिटिकल डीपॉलिटिसाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस कैसे बन सकता है, इस ये कोई परेशानी नहीं। जी सर, एक प्रश्न और है सर, ये एसपीसी के स्ट्रक्चर को लेकर है।
Sir, even if SEC becomes only regulatory body with implementation body being government, there should be some feedback and connection between both these, else we will land up at a situation where rules are made sometimes and grassroots level practical situation are different. No. See, what the structure that works is the organization which works on a particular sector. This body will work on the school sector, keep researching on various areas, service condition of teachers, structures, who will start a school and things like that, curriculum. But the implementing body should be different. वो जाके inspection करे. अब क्या होगा, मान लो एक school वाराणसी में खुलता है और वो जो SEC ने नियम बनाए हैं वो नहीं फॉलो करता है, तो एक कोई भी प्राइवेट आदमी एक कंप्लेन कर सकता है, एक FIR करा सकता है कि भाई स्कूल के नियम ये हैं, ये गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बॉडी ने नियम बनाया है और ये फॉलो नहीं कर रहे हैं. अब SEC को इसमें आने की जरूरत नहीं है. मान लो SEC आ जाता है बीच में, SEC ये केस देखने लगता है तो SEC कहेगा मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं नियम बदल देता हूं. उसको ये अधिकारी नहीं हो, SEC केवल नियम बनाए, नियम बना के छोड़ दे. गवर्नमेंट का काम है एनसीईआरटी के थ्रू किताबें लिखवाए, सीबीएसई के थ्रू एग्जाम कराए. लेकिन जो हमने एक अलग बात कही बीच में कि हमने कैसा काम कर रहा है एनसीईआरटी और कैसा काम कर रहा है सीबीएसई, इसके लिए हम नेशनल असेसमेंट सर्वे किए हैं जो पहले असर कर देता था, कभी कभी बहुत ही घटिया काम करता था, और हमको घटिया नहीं बोलना चाहिए शब्द, अच्छा काम नहीं करता था और उसको सरकार ने नैस के थ्रू कराया. लेकिन शिकायत यह है कि सरकार ने अपने ही लर्निंग आउटकम्स भी बनाए, अपने ही असेसमेंट भी किया, अपना ही रिजल्ट भी निकाल लिया और अपना पीठ थपथपा लिया कि हमने बहुत अच्छा काम किया. क्यों नहीं एक थर्ड पार्टी को कहें कि आप ये काम करके दे दीजिए हमको, जो अच्छा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कि SEC ने नियम बनाए, एनसीईआरटी ने किताब बनाए, सीबीएसई ने उसको ट्रांजैक्ट कराए अपने स्कूल्स के थ्रू, और अब थर्ड पार्टी जाके देखेगी कि जो SEC ने नियम बनाए थे वो कितना लागू हुआ, कितना लागू नहीं हुआ. अगर लागू नहीं हुआ तो वो पब्लिक डोमेन में आएगा, वो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो अभी है गवर्नमेंट, वो देखेगी कि ये नहीं लागू हो रहा है, उसको सजा दिया जाए. जो मैकेनिज्म है, एक दूसरे उदाहरण से हम इसको बताना चाहेंगे. उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नियम बनाया कि आप अपने गाड़ी पर जाति सूचक शब्द नहीं लिखेंगे. जाट, ब्राह्मण, फलाना ढिकाना लोग लिखते थे गाड़ी पर, वो कहा कि आप नहीं लिख सकते हैं. ये कानून उत्तर प्रदेश के विधानसभा से पास हो गया. दूसरे दिन पुलिस ने एक गाड़ी को रोका, कहा कि भाई उतरो, इसको मिटाओ नहीं तो जेल ले जाएंगे. उसने कहा क्यों, मेरी गाड़ी है, हमने गाड़ी खरीदा है, कुछ भी लिखे. कहा नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का ये नियम है कि आप गाड़ी पर ऐसी बातें नहीं लिख सकते हैं. ये सही है गलत है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमारी सरकार ने, जिसको हमने चुन के सरकार बनाया था, उस सरकार ने ये नियम बनाया. जब तक अगली सरकार नहीं आती है और वो बदलती नहीं है, तब तक ये सरकारी नियम होगा. तो पुलिस ने रोक लिया, वो कहा नहीं हटाएंगे, तो पकड़ के उसको थाने में बंद किया, वो कोर्ट गया, तो तीनों तीन ऑर्गेनाइजेशन हो गए ना. नियम सरकार ने बनाया, लागू पुलिस ने कराया, उसको विरोध हुआ तो कोर्ट गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं सरकार ने नियम बना दिया है इसलिए मानना पड़ेगा. तो जो SEC नियम बनाएगी, जैसे आज UGC जो नियम बनाती है वो यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही जो SEC नियम बनाएगी वो स्कूल्स को, NCERT को, CBSE को, NIOS को मानना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा. जो आज NEP में हम लिख दिए हैं कि कुछ चीजें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय पर लागू नहीं होंगे, ये नहीं चलेगा. अगर सरकार स्कूल चलाना चाहती है तो उसको वो सारे नियम पालन करने पड़ेंगे जो किसी प्राइवेट स्कूल पर भी लागू होगा. यू कैनॉट बी द रेगुलेटर एंड द प्लेयर एज वेल, यू विल हैव टू गिव अप द रेगुलेटरी रोल. यू शुड नॉट बी मेकिंग रूल्स एंड ऑल्सो रनिंग स्कूल्स. दैट इज व्हाट माय आर्गुमेंट इज. आई होप यू एग्री विद. जी सर, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से इसको रखा है. एक सर प्रश्न और आया है ऋषि वैली जैसे श्रेष्ठतम विद्यालय के संदर्भ में. ऋषि वैली जैसे श्रेष्ठतम विद्यालय जो प्रयोगात्मक ढंग से चल रहे हैं, जहां परीक्षा नहीं होती,
क्या वहां भी नियमों को मानने की बाध्यता होगी? उनके लिए अलग नियम बनेंगे। मैंने आज एक अलग विचार है जो नहीं रखा है, कभी और रखेंगे। ऑरोविल आश्रम है पौंडीचेरी में, श्री अरविंदो की का और माता का जो चलता है, वहां ऑरोविल विद्यालय है। वहां सरकार ने उनको परमिशन दिया हुआ है कि आप किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी उसको 12वीं की दक्षता रखने का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ऑरोविल सर्टिफिकेट ही इशू रखता करता है, वी सर्टिफाई दैट सच एंड सच हैज अटेंडेड 12 इयर्स ऑफ रेसिडेंस इन ऑरोविल एंड ही कैन बी कंसीडर्ड और सी कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू होल्डिंग द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ 12th क्लास पास। और ये एक लेटर हेड 12th के सर्टिफिकेट जैसा काम करता है। हमने ये नहीं कहा है कि सेक आइडेंटिकल रूल्स बनाएगा जो कि आज है, इसीलिए हमने कहा कि सेक का एक बड़ा रिसर्च विंग होगा जो उसका इंडिपेंडेंट होगा, वो फंडिंग भी करेगी और उसका जो फाइंडिंग आएगा उसको इंप्लीमेंट भी करने की बात सोचेगी। ऐसा नहीं है कि सेक में जो लोग बैठेंगे वही ज्ञानी होंगे, वो लोग रिसर्च करा के मंगाएंगे, उसका फंडिंग का भी हमने बताया कि पैसा कहां से आएगा। तो अगर ऋषि वैली अच्छा काम कर रही है चलने दिया जाए। मेरा एक विचार है, ऑटोनोमस कॉलेजेस का स्कीम है, हम 100 स्कूल को देश के ऑटोनोमस स्कूल बना के देखें, वहां की जो प्रिंसिपल हैं वो अपना करिकुलम रहेगा नेशनल एनसीएफ के द्वारा और एनसीईआरटी के बनाई किताबें, लेकिन वो अपना एग्जाम लें, अपना रिजल्ट निकालें और स्कूल प्रिंसिपल सर्टिफिकेट इशू करें। क्या खराबी है ऑटोनोमस कॉलेज की तरह हम ऑटोनोमस स्कूल भी लाएं? हमारा इतना बड़ा देश है, इतने अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, हर बच्चा दून स्कूल तो जाना चाहता है लेकिन दून स्कूल को ऑटोनोमी नहीं है, क्यों ऑटोनोमस करो ना, 100 स्कूल को ऑटोनोमस स्कूल बनाओ कॉलेज की तरह। तो ये सारे जो नए आइडियाज हैं वो सेक कंटिन्यूअसली रिसर्च भी करेगी, उसके फाइंडिंग को इंप्लीमेंट भी कराएगी, इंप्लीमेंट कराने के लिए वो रूल्स बनाएगी, नियम बनाएगी, और वो जब सेक एक बार नियम बनाती है तो वो लागू होगा। जैसे आज अगर केंद्र सरकार कोई नियम बना देती है, मंत्रालय, केंद्र सरकार नहीं मंत्रालय, मंत्रालय अगर कह देती है कि हम 100 स्कूल को ऑटोनोमस स्टेटस दे रहे हैं और उनके सर्टिफिकेट को 12th जो सीबीएसई देता है उसके बराबर माना जाएगा, तो कौन रोक लेगा? तो जैसे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मंत्रालय कर रहा है, मंत्री या सेक्रेटरी कर रहे हैं, वो सेक करेगा और वो अपने नहीं लागू करेगा, वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज लागू करेंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋषि वैली। जी सर, ज्यादातर लोगों की तरफ सहमतियां आ रही हैं जो बातें आपने रखी हैं असेसमेंट को लेकर के, और चीजें जो आपने फिर से एक्सप्लेन की हैं जिनमें आपने डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज किया है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो क्वेरीज थी चीजों को लेकर के वो कवर हुई हैं, मैं देख रहा था। और ये बात के समर्थन में ही बातें आई हैं, इफ द रेगुलेटर एंड इम्प्लीमेंटर इज सेम इट विल गिव राइज टू करप्शन प्रैक्टिसेस। तो लगभग आज का जो सेशन हुआ है, ऐसा मेरा मानना है, ये थॉट प्रोवोकिंग सेशन है और हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे टीचर एजुकेटर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, सब कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़े हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो कौन सोचेगा, हमें ही सोचना होगा, हमें सोचना होगा, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सब शुरू में सर ने बात कही कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी संख्या है कि उसको हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। तो आज का सेशन इस मामले में बहुत फ्रूटफुल है, ये एक नया आइडिया बहुत से लोगों के सामने आया है, बहुत से लोगों के सामने एक नया आइडिया आया है, नया स्ट्रक्चर आया है एक स्कूल एजुकेशन के लिए। इस वीडियो को ये रहेगा, कुछ लोगों ने पूछा कि रिकॉर्डिंग रहेगी नहीं रहेगी, ये रहेगा, दोबारा देखिए, दोबारा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितना जरूरी है।
आप कन्विंस होंगे, मेरा पूरा भरोसा है। अगर आप एजुकेशन की थोड़ी सी भी चिंता करते होंगे और एजुकेशन में जो न्यू है हमारा स्कूल एजुकेशन, तो जरूर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस विद्यालय शिक्षा आयोग, विद्यालय शिक्षा आयोग को अत्यंत आवश्यक मानते हुए अति शीघ्र जो भी प्रक्रिया होगी वो गवर्नमेंट करेगी, वो आएगा। लेकिन ये आवाज जब हर संस्था में, हर राज्य में, हर जिले में इस तरीके से आए और सकारात्मक तरीके से आए, लोकतांत्रिक तरीके से विचार विमर्श हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम शिक्षक ही तो सोच रहे हैं, अपनी शिक्षा में बदलाव के लिए सोच रहे हैं और सकारात्मक बदलाव के लिए सोच रहे हैं, उदाहरण के साथ उपस्थित हैं, डेटा के साथ उपस्थित हैं कि ये आंकड़े हैं, देखिए ये आंकड़े हमें चिंतित कर रहे हैं, ये परिस्थितियां हमें चिंतित कर रही हैं। तो इतना बोल्डली कहना सबके लिए संभव भी नहीं है। तो इस मामले में हमारा प्लेटफॉर्म बहुत सौभाग्यशाली है, ये फोरम, कि सब सोचते हैं, आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो समय की भी मर्यादा है और मुझे लगता है कि कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है कि इस विषय से संबंधित नहीं है। व्हाट अबाउट इन लॉकडाउन स्टूडेंट्स लॉस्ट द एजुकेशन? बिल्कुल, जब एक पर्टिकुलर कमीशन रहेगा तो वो पूरा सर्वे कहाँ है, रिसर्च होगी कि आखिर अब नई स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है टीचर्स के लिए, कि आईसीटी स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं फ्यूचर में। हमें अचानक से हम इस परिस्थिति में आ गए कि हम सबको पढ़ाना पड़ा एज ए टीचर घरों से, स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की है। तो जब काम रिसर्च के आधार पर होगा, जैसा मैं सरकारी में ओपिनियन जानना चाहूँगा इस चीज़ पर, सर इस प्रश्न को भी सर आप डील करें, मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड है हम लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए मैं शुरू से पिछले साल अप्रैल से ही कह रहा था, जब ही लॉकडाउन हुआ एक सप्ताह के अंदर अंदर विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यार्थियों से जुड़ गए, तरह तरह के डिवाइसेस लगाए, तरह तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किया और विद्यालयी शिक्षा रुकी नहीं सही में, लेकिन परीक्षा नहीं ले पाए। हमने हजारों स्कूल प्रिंसिपल से चर्चा की, जैसे आज इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, हम स्कूल प्रिंसिपल्स के प्लेटफॉर्म पर चर्चा किए थे और उनका यही कहना था कि हमको किसी न किसी फॉर्म में एग्ज़ाम लेना चाहिए और हम ले सकते हैं। ये इसलिए हो गया क्योंकि डिसीजन पॉलिटिकल होना था, सरकार सत्ते में थी। देखिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब चूंकि ये प्रश्न आ गया है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं, वो तुरंत आके एक स्टेटमेंट देते हैं कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, सबको सर्टिफाई करिए। आपका बोर्ड है नहीं, दिल्ली सरकार का कोई बोर्ड है नहीं, इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, केवल उनका काम था राजनीति करना और केंद्र सरकार को सत्ते में लाना। जब हुआ कि 10th का नहीं होगा तो उन्होंने फटाफट कहा कि बहुत अच्छा, मैं बधाई देता हूं स्टूडेंट्स को, और 12वीं के लिए आप मल्टीपल चॉइस कर दीजिए। मल्टीपल चॉइस से हम इनकॉम्पिटेंसीज का टेस्ट करते हैं, हम लॉन्ग आंसर टाइप क्यों लिखवाते हैं, हम क्रिटिकल क्वेश्चंस क्यों सेट करते हैं, हम डिफिकल्टी लेवल अलग अलग करते हैं क्वेश्चन में क्यों, कौन जानता है, ये चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे। आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बहुत रेलेवेंट है कि जब सेक तय करेगी, आज सेक को तय करना था कि कैसे होगा एग्जाम, वो अलग अलग तरीके निकालती, लेकिन आज जो सर्टिफिकेट आप इशू करने जा रहे हैं क्या वो रिलायबल और वैलिड होगा? आज से 5 साल बाद इनके वैलिडिटी पर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? तो सेक अगर होता और वो कंसिडर्ड ओपिनियन लेती, बिकॉज वो एक बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स होती, जो अभी क्राइटेरिया बना है 12 के लिए, जरा उस कमिटी को देखिए, 13 लोगों की कमिटी है, 3 ही केवल उसमें शिक्षाविद हैं, बाकी सब ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये तरीका किसी भी देश के एजुकेशन को चलाने का नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं ब्यूरोक्रेट्स को बहुत पिंच कर रहा है और मेरा फ्यूचर डूम्ड है इस देश में एजुकेशन में, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ही तय करते हैं, लेकिन किसी को तो देश के लिए सोचना पड़ेगा। हमको बड़े सीनियर, मेरे जो
रहे हैं वो हमको कहें शर्मा जी थोड़ा समझ के बोला कीजिए, आप बड़ा इमोशनल हो जाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बोलने में, ऐसी बातें मत बोलिए, आई नो आई डैमेज माई सेल्फ बट हु विल स्पीक फॉर द कंट्री। तो मेरा ये कहना है सेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और इस आइडिया को आपका आइडिया मानिए, इसीलिए हमने अपने प्रेजेंटेशन में लिखा था प्लीज यूज दिस पीपीटी फॉर मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन एनीवेयर दैट यू कैन। आप इस पीपीटी को बोरो करिए, इसको यूज में लाइए, इसको अपना प्रेजेंटेशन बना करके जगह जगह प्रेजेंट करिए, अगर कोई क्रिटिकल क्वेश्चन है तो वो सोमू से शेयर करिए, हमसे शेयर करिए, सोमू आंसर करेंगे या हम आंसर करेंगे, लेकिन इसको इस पीपीटी को जगह जगह यूज करिए और प्रेजेंटेशन करिए ताकि ये आइडिया राष्ट्र हित में एक कॉमन आइडिया, एक मास का आइडिया बन सके। जी सर, निश्चित रूप से ये अपील आपकी है, मेरी है, हम सभी टीचर्स की है जो शिक्षक शिक्षा से जुड़े हैं या स्कूल से जुड़े हुए हैं, इस आइडिया को और हम सोचें, उस पर काम करें। कुछ लोग पूछ रहे हैं अगला सेशन कब होगा, उसकी सूचना हमारे प्लेटफॉर्म पे आती है, कल फिर सेशन है, हम वीकेंड में आते हैं। आज का जो सेशन है इसको अब हम कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगभग सारी बातें, मतलब हो ये रहा है कि हम बात कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और फिर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है वो भी आप लिख रहे हैं, उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, एकदम लाइव ये हो रहा है, मतलब चीजें आपके सामने हैं, चैट बॉक्स भी आप देख पा रहे हैं जो मैं कमेंट ले रहा हूँ, और सर के सामने मैं चीजों को ला रहा हूँ, और स्क्रीन पे भी मैं उस क्वेश्चन को रख रहा हूँ। तो ये जो सेशन है एक तरह से बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ है प्रेजेंटेशन के बाद, और आपके जो डाउट्स थे, जो चीजें थी, वो भी क्लियर हुई हैं, और सर ने कहा है जैसा कि आप पढ़िए पीपीटी, हम ग्रुप में साझा कर देंगे, एक बार डाउनलोड कीजिए, उस पर डिस्कशन करिए अपने कोलिग्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, बैचमेट्स के साथ में, और उस पर कुछ पूछना है हमें लिखिए, हम सर से डिस्कस करेंगे, हम फिर मिल लेंगे, बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एजुकेशन की चिंता कर रहे हैं तो मिलना बैठना होता रहेगा, हम एक तरीके से फोकस ग्रुप हैं, हम एजुकेशन के ही लोग हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको। अब जिम्मेदारी आप सबकी है जो सुन रहे हैं, आइडिया आता है, आइडिया को बड़ा बनाना, उसको और जैसा कहा ना लोकतांत्रिक तरीके से, अभी किसी ने लिखा था ना स्कूल में हम डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ाएं, तो ये क्या है, ये तरीका है, एक अच्छा आइडिया आया है, हम डिस्कस करें और उसको हम और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इम्प्रूव करें, इम्प्रोवाइज करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छा लगा है आज सेशन से, ऐसे ही सेशंस तो होने चाहिए, ऐसे सेशंस भी होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में अब मैं हमारे साथ इस कार्यक्रम की सहसंयोजिका जो हमारी मदद कर रही थी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के को आइडेंटिफाई करने में और सारी चीज़ों में, उन्होंने सुना है, मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। आप डॉक्टर प्रेरणा मंध्यान असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप एजुकेशन डिपार्टमेंट DS कॉलेज जो कटिहार पूर्णिया में एक जिला है वहां पर है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन एंड आवर रिसोर्स पर्सन एंड सोमू सर, इट इज सच एन ऑनर फॉर मी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू से वोट ऑफ टू गिव वोट ऑफ थैंक्स टू यू सर। सर योर स्पीच वॉज सच इंस्पायरिंग एंड इनकरेजिंग वर्क दैट कि हमको लग रहा था कि अगर हम इस डायरेक्शन में सच्ची मिलकर सब लोग सोचे तो वी कैन डू बेटर, हम कर सकते हैं, बस एक हमें अभी भी एक जरूरत थी एक मोटिवेशन की और एक इनकरेजमेंट की, वो आपके वर्ड्स ने हमें दिया। सर आपने बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस किया, जैसे सबसे पहले आपने ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन की बात की जो राधा कृष्णन कमीशन जी ने रिकमेंड की थी, उसके साथ आपने ऑटोनॉमी और एनआरकी इन दोनों में डिफरेंस को भी क्लियर किया, आपने अपने व्यूज को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के थॉट से सपोर्ट किया कि किस तरह से हम गवर्नमेंट यानी पॉलिटिक्स और एकेडमिया को अलग कर सकते हैं और हमें अलग करना चाहिए इफ वी वांट टू प्रोग्रेस इन और वांट टू गेट द क्वालिटी इन एजुकेशन। आपने ये भी बताया कि व्हाई वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द स्कूल एजुकेशन, व्हाई एजुकेशनल बॉडीज आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, व्हाई नॉट दे आर वर्किंग फॉर द नेशन।
such a thought-provoking questions for our educators or the fresh people who are coming in this field. Even you discussed about the structure of school education committee, how the selection and recruitment procedure will be done. Like you told that the selection and recruitment will be like the election commission procedure. Not only this, you discussed about the research terms in this particular in this school education committee. Funding, how do we get? The main issue is finance. One thing I want to say, this is committee, commission, school education commission. School education commission. Now the आपने ये भी बताया कि हमें स्कूल एजुकेशन कमीशन की जेंडर पर्सपेक्टिव से भी जरूरत है, क्यों हमें चाहिए स्कूल एजुकेशन कमीशन. आपने फंक्शंस भी बताए स्कूल एजुकेशन कमीशन के. इट मींस आपने डिटेल हमें इस कमीशन को आगे लाने के लिए उसके ईच प्रोसीजर को बहुत अच्छे से बताया. कंक्लूडिंग में अगर मैं ये कहूँ, आपने ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी और एजुकेशन को दोनों को सेपरेट रखना चाहिए. हाँ, एजुकेशनल कंसल्टेंट और द एडवाइजर शुड बी अपॉइंटेड. सो सर, पर्सनली योर वर्ड्स आर टू मच अपीलिंग, टू मच. एंड नाउ आई एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सोमू सर हु प्रोपाउंडेड दिस कम्युनिटी, टीचर एजुकेशन सोशल सर्विस कम्युनिटी. आई मस्ट थैंक टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड द वॉलंटियर्स हु आर वर्किंग वेरी हार्ड. थैंक यू एवरी वन वंस अगेन फॉर मेकिंग इट अ ग्रेट सेशन. थैंक यू सर. Thank you very much, sir. Thank you. My privilege entirely. Thank you, sir. आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है, आगे मिलता रहे, ये हम सभी का सौभाग्य है. Thank you very much. My privilege to be on the platform and sharing my views for with all my professional friends, colleagues across the country. Thank you. Thank you, sir. Dear students, participants, and members of our teacher educators community, कुछ लोगों ने कुछ आज पहली बार सेशन को सुना है, लोग जुड़े हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ, उनके लिए सूचना है कि आप सभी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो कि फेसबुक पर एक बड़ी संख्या में है, लगभग अब 67,000 के आसपास नंबर्स हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन पूरे देश से है, उससे जुड़े, जुड़ करके हमारे अपडेट्स आते हैं, देखते रहें और उस टाइम पर हमसे जुड़ करके हमें फीडबैक देते रहें, हमें सुझाव देते रहें कि हम अपने कार्यक्रमों को, अपनी गतिविधियों को, अपनी सेवाओं को, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते. हम हर वीकेंड पर आते हैं और कोई ना कोई सर्विस आपके सामने लाते हैं जिससे आपकी मदद हो, कि आपके थॉट को हम प्रवोक कर सकें, आपकी नॉलेज को एनहांस कर सकें, हमारी कोशिश रहती है. इसी कड़ी में हम अपने प्रेरणा स्रोत भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, उनसे प्रेरणा लेकर ये व्याख्यान श्रृंखला शुरू की है जो कि सफलतापूर्वक आप सभी के सामने है. और इस श्रृंखला को, व्याख्यान श्रृंखला को हमारे वरिष्ठ शिक्षाविदों का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, योगदान मिल रहा है. कल फिर हमारे बीच एक वरिष्ठ शिक्षाविद होंगे जो हमारे इस टीचर एजुकेटर्स कम्युनिटी को, हमारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को गाइड करेंगे. और फिर अगले वीकेंड में फिर ये कड़ी कड़ी से कड़ी जुटी जा रही है तो हम आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि आप ही के बीच में से निकल करके लोग हमसे जुड़ते हैं, जो कि हमारी एडमिन टीम में आते हैं, वॉलंटियर करते हैं, समय निकालते हैं हमारे लिए, आपके लिए, और हम अपनी सेवाओं को, अपने कार्यक्रमों को इतने सुंदर तरीके से, इतने प्रभावशाली तरीके से तभी ला पाते हैं. ये कार्य अकेले संभव नहीं है. जितने भी कार्यक्रम देखते हैं, हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, उन सभी के प्रति मेरा आभार है, हमेशा रहेगा, कि आप आते हैं, आकर के मार्गदर्शन करते हैं विद्यार्थियों का विभिन्न प्रकार से, विभिन्न रूपों में,
आप शिक्षण का कार्य करते हैं, तो ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम अपनी सेवाओं में विस्तार कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में विस्तार हो रहा है और आप सभी हमेशा जुड़कर हमारा उत्साह वर्धन भी करते हैं। सक्रिय सहभागिता अत्यंत ही आवश्यक है। तो अभी हमने हाल ही में अपनी कई सर्विसेज को अनाउंस किया, आंसर ऑन डिमांड सर्विस, जिसके माध्यम से हमने आप सभी विद्यार्थियों के, शिक्षकों के, शिक्षक प्रशिक्षकों के क्वेश्चंस को इनवाइट किया है, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन हमको लिखिए। हमने गूगल फॉर्म जारी किया है, वो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, उनको हम कंपाइल करेंगे और हम उनके आंसर्स आपको जिस मोड में आप कंफर्टेबल हैं, जिस मोड में आपने सेलेक्ट किया है, आप ईमेल के थ्रू आंसर्स चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे आंसर्स चाहते हैं, या आप वीडियो कॉलिंग में 1-to-1 के मोड में आंसर्स चाहते हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, करेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज भी हमने शुरू की है, तो कई लोगों की रिस्पॉन्सेज भी आई हैं जिसमें करियर गाइडेंस से रिलेटेड क्वेरीज आई हैं। जल्दी ही हम आपकी क्वेरीज को, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करके आप तक पहुँचेंगे। भारत सरकार की भी चिंता है, हमारे शिक्षा मंत्रालय की भी चिंता है, इस कोरोना संकट काल में हम सभी जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, उस परिस्थिति ने कहीं ना कहीं हमको मानसिक तनाव दिया है, परेशानी दी है, चिंताएं हमको दी है, जिसके कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उससे जुड़े मुद्दे भी हमें लिखें, हमारी कोशिश होगी जो भी काउंसलर्स हैं उनसे बात करके आप तक उपयुक्त तो समाधान पहुंचाने की। हमने रिसर्च एंड पब्लिकेशन सर्विसेज की भी शुरुआत की है और इनवाइट किया है आप सभी का सहयोग। वॉलंटियर के रूप में आप एक सोशल साइंस रिसर्चर के तौर पर, जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हो, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी रिसर्च कर रहे हैं, तो आप जुड़ें, हमारी रिसर्च एंड पब्लिकेशन यूनिट से जुड़ें, अपने सुझाव दें और जो हमें योजना बनानी है उस योजना को मूर्त रूप में, कार्य रूप में परिणत करने के लिए आपके इनपुट्स चाहिए, और फिर हम एजुकेशन के जरूरी मुद्दों पर, समस्याओं पर टीम बना करके रिसर्च करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, सर्वे कंडक्ट करें, जो कि हमारे सामने एक सही तस्वीर लेकर के आए। हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, हम कोई संस्था नहीं है, लेकिन हाँ सारे संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हमारे पास है, हम रिसोर्सफुल हैं। हम चाहे स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें, या हम टीचर्स की डाइवर्सिटी की बात करें, या हम अपने रिसोर्स पर्सन जिसमें प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, डाइट के लेक्चरर्स हैं, और हमारे सीनियर एकेडमिक लीडर्स ऑफ द कंट्री वो लोग हैं, उन सबके माध्यम से हम एक बेहतर तस्वीर टीचर एजुकेशन की, या कहें कि एजुकेशन की बनाना चाहेंगे। हमारी चिंता है, वी आर वर्किंग टू ट्रांसफॉर्म टीचर एजुकेशन। हमने एक लोगो डिजाइन किया है अपने इस कम्युनिटी का, इस ऑनलाइन फोरम का, जल्दी इसको हम रिलीज करेंगे, जो कि हमारे नेचर ऑफ द ग्रुप, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ द ग्रुप उसको रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल, आप जे बरेली से आप लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, हमारा फॉर्म पड़ा हुआ है, आप सभी हमारे अनाउंसमेंट सेक्शन को जरूर देखते रहें। अनाउंसमेंट सेक्शन में हम जरूरी सूचनाओं को टैग करते हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन में जो सूचनाएं पड़ी रहती हैं आप उसको नीचे तक जाइए, देखिए हो सकता है कोई सूचना आपके काम की हो। हम पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोऑपरेशन मांगते हैं, एप्लीकेशंस उनके लिए डालते हैं कि आप लोग आइए सहयोग कीजिए। जल्दी ही हमारी UGC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए कोचिंग शुरू होने वाली है, लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जल्दी ही एक टाइम टेबल आएगा, एक ऑनलाइन मंच तय करके आप सभी विद्यार्थी जो जरूरतमंद हैं उनकी एक हमारे सर्विस वो भी शुरू होने वाली है, उसकी भी सूचना होगी। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैंने पहले कहा कि हमने हमारे इस फेसबुक ग्रुप में, जिसके माध्यम से आप मुझे अभी सुन रहे हैं, इस फेसबुक ग्रुप पर हम फेसबुक ग्रुप के नाम के नीचे एक स्ट्रिप होती है,
उस स्ट्रिप पे अलग अलग लिंक्स दी गई हैं। उन लिंक्स में एक जगह अनाउंसमेंट लिखा होगा, उस पर क्लिक करिए, फिर आप देखिए उस अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको हमने वॉलंटियर्स को इनवाइट किया है रिसर्च एंड पब्लिकेशन यूनिट के लिए, रिसर्च एंड पब्लिकेशन सर्विसेज शुरू करना है, आपको वहाँ मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा सेशन के समाप्त होने के बाद कि मैं चैट बॉक्स में भी आपको गूगल फॉर्म अवेलेबल करा दूँ, या हमारी टीम के लोग सुन रहे होंगे तो अभी आपको इसमें निश्चित रूप से जवाब दे पाएंगे। आप ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से आप लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि आप वहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आप जुड़े रहें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें भी लगभग 8000 के आसपास लोग जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी हम तेज़ी से सूचनाएँ साझा करते हैं, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक हमारे अनाउंसमेंट सेक्शन में दी गई है। तो दूसरी बात, हमारी कोशिश है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर हमारा एक अकाउंट है, हमारा ऑफिशियल पेज है, हम कोशिश करते हैं सारी सूचनाएं हर जगह दें, फिर भी कभी कभी समय की मर्यादा या व्यस्तता के चलते ऐसा नहीं हो पाता है। तो मुख्य रूप से आप फेसबुक ग्रुप पर जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, इन दो जगहों पर हम आवश्यक रूप से सूचनाएं प्रेषित करते हैं। आप सभी का सहयोग, आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार इसी तरह मिलता रहे, और हम सब मिल करके सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एंड टूल्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके, उसमें आईसीटी के टूल्स को इंटीग्रेट करके, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ इस शिक्षा की जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं। और इस शिक्षा में गुणवत्ता का जो मसला है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी एक विचार किसी के भी मस्तिष्क में आ सकता है, और वो विचार क्रांतिकारी हो सकता है, और वो विचार गुणवत्ता उन्नयन के लिए आवश्यक हो सकता है। आप सुनते हैं किसी को, आपके मस्तिष्क में कई विचार पैदा होते हैं, उन्हें मत रोकिए, आगे बढ़ाइए, जुड़िए, समूह में चर्चा कीजिए, छोटे छोटे काम को बड़ा करने में, बड़ा होने में समय नहीं लगता। मुझे ये पता भी नहीं रहता है कि हमारे समूह में आकर के लोगों ने कितने लोगों की मदद की है, लाखों की संख्या होगी एकेडमिक हेल्प की, हम उनका आंकड़ा नहीं मेंटेन करते, लेकिन हमें पता है, इतना तो पूरा विश्वास है कि मदद तो हो रही है किसी भी रूप में। हम लेक्चर ऑन डिमांड सर्विस के तहत आपको हर वीकेंड पे लेक्चर लेकर आ रहे हैं, कम से कम आप लिखिए तो सही कि आपको बीएड के पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उस टॉपिक पर आपके यहाँ टीचर्स नहीं है जो क्लासेस लेते हैं इस पेपर के, आप लिखेंगे, आप एमएड के स्टूडेंट हो, चाहे बीएड के स्टूडेंट हो, या किसी भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी जो कठिनाइयां हैं, जो विषय वस्तु है, उसमें अगर कठिनाई आपको हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो हम जानेंगे, तभी तो हम उसमें आपके लिए आपकी जरूरत के मुताबिक व्याख्यानों का प्रबंध कर पाएंगे। अभी तक हमने सक्सेसफुली 15 से अधिक व्याख्यानों का आयोजन किया है, आगे भी हमारी योजना है, हमारे पास टॉपिक आ रहा है, टॉपिक का एनालिसिस करते हैं। तो आप फीडबैक भी दें, हमें सुझाव भी दें, आपकी टिप्पणियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का सेशन 7 बजे तक होना था, 7:00 हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सेशन आज का पूर्ण हुआ, और इस सेशन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों की भूमिका है। एक पोस्टर जब क्रिएट होता है और जो चीज़ें आपको इस रूप में दिखती हैं, इसके पीछे एक टीम होती है, उन सभी का हृदय से आभार कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य बड़ा हो रहा है, सेवा का ये कार्य बड़ा हो रहा है, उद्देश्यों के अनुरूप हो रहा है। आप सब इसी तरह सहयोग करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, आशीर्वाद देते रहें, हम निश्चित रूप से एक दिन अपने इस मिशन में कामयाब होंगे। अधिक से अधिक विद्यार्थियों की मदद करना, शिक्षा में क्रांतिकारी गुणात्मक बदलाव लाना, यही हमारा उद्देश्य है।
आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।